तो ये व्हाट्सअप गाइस कैसे आप लोग, और आज हम वहाँ से खेलने वाले हैं क्राफ्टमैन 4। तो यहाँ पे मैंने बोनस चेस्ट ले लिया है और इसमें से मुझे 2 कैरेट मिल गए हैं, जिससे हम एक ये क्या कहते हैं, हाँ इससे हम मल्टीप्लाई करके बहुत सारे बना सकते हैं। तो अभी इसे इसमें रखते हैं। जंगल सैपलिंग भी इन्होंने दी है और 2 स्टिक, जो अच्छी बात है। और यहाँ पर अभी मुझे एक विलेज ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि विलेज ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर से हमें बेड मिल सकता है आसानी से। वैसे तो हमें इधर ही मिल जाएगा बेड, लेकिन यस मुझे एक सीप तो दिख गई। रुक रुक, ओ भाई साहब कितने ऊंचा उड़ी है ये। रुक रुक, किधर जा रही है, रुक जा। ज़्यादा चांसेस होते हैं कि विलेज हमें किस वजह में मिलती है। वे भाई डॉग इससे पंगा नहीं लेने का, ये बहुत घूरता है। मैंने एक बार से मार कर देखा था, दुष्यंत तो मेरी बैंड ही बजाती थी। हाँ इस बायो में होती है ये। इसका क्या नाम है, हाँ ये एशिया बायोम है। तो यहाँ पर ढूंढते हैं आराम से एक विलेज, नहीं मिलेगा तो शिफ्ट ढूंढ लेंगे। वैसे तो मिल जाना चाहिए यार। तो यहाँ पर मुझे 2 सीख मिल गई है, 2 नहीं लगभग 1। वे रुक किधर जा रही है, 3 सीख मिल गई मुझे। देखो एक उधर है, रुक जाओ मैं इससे पहले टपका देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर है 3री सीप। तो इसकी मैं बैंड बजा देता हूँ। और किधर जा रही है, रुक जा। और मैं अपने वेट को रंगीन भी कर दूंगा, तो उसके लिए मुझे पहले ये चाहिए एक फ्लावर। कितना दिया इसने, 1 दिया। वो भाई साहब इधर तो मेरे पूरे बेड ही बन जाते, कोई बात नहीं। ये क्या है, ये शायद से क्रमवीन है। वो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है यार, निकल मुझे इसमें से। क्या मिल गया, कुछ मिला तो नहीं है ना, इसे मिल भी जाएगा तो क्या होगा। ओह शुगर कैन, शुगर कैन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं सारे शुगर कैन को उखाड़ लेता हूँ जल्दी से। मुझे अभी तक एक विलेज नहीं मिला। और किधर है वो रविन, हाँ इधर है। वही भाई साहब लग जाएगी बहुत तेज के अगर मैं ठीक से नहीं चलूँगा तो। ये तो कुछ ज़्यादा ही नीचे जा रहा है, तो पहले स्टोन माइन करके अंदर चलते हैं। स्टोन के मतलब टूल्स बनाकर, क्योंकि स्टोन को मैं अपग्रेड हो जाऊंगा तो मैं बड़ी अच्छी बात रहेगी। तो यहाँ पर मैं कुछ ही स्टोन तोड़ूंगा। चलो हो गए, अब स्टोन के टूल सुनाओ। उसके लिए मुझे क्राफ्ट, यार मेरे पास लॉक्स ही नहीं है, अब जाके लॉक्स लाना पड़ेगा, ये बहुत बुरी बात है। मैं आ तो गया हूँ गेम में, लेकिन मेरे पास अब लॉक्स ही नहीं है।
तो भी मैं ऊपर पहुंच गया हूँ। इधर आ, हाँ मेरे पास एक्स है ना, तो इससे क्यों काट रहा हूँ, तो इससे मैं स्टिक बना लूँगा और बाकी मैं क्राफ्टिंग टेबल जो इतने ज़्यादा है तो यहाँ पर मैंने 7 लॉक्स इकट्ठा कर लिए हैं और एक से क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं। तो एक क्राफ्टिंग टेबल मैंने बना लिया और यहाँ पर अब चलते हैं नीचे। रुक रुक रुक, मुझे फूड चाहिए। ओ भाई वो तो नीचे सीधा गई लेकिन उसको चोट नहीं लगी। कितना अंदर है, ये बहुत खतरनाक है यार। अगर मैं इसके अंदर चला गया तो मेरी तो बैंड ही बच जाएगी। हाँ क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पर है, इसे रखते हैं जल्दी से और यहाँ पर बनाते हैं स्टोन की पिकेक्स। पिकेक्स में बना लिया, अब बनाते हैं स्टिक्स। स्टिक तो बन गए, एक स्वॉर्ड, एक एक्स और एक सवाल। तो सारे स्टोन के टूल बन गए, नीचे चलते हैं। मुझे डर लग रहा है कि मैं नीचे जा तो रहा हूँ लेकिन फिर आऊँगा कि नहीं ये नहीं पता। नीचे तो बहुत बड़ा लावा है, यहाँ पर आयरन है भाई तो बता दे, मैं आयरन के लिए ही जा रहा हूँ केव में। तो यहाँ पर मुझे आयरन तो दिख नहीं रहा, अंदर चलते हैं। ए भाई यहाँ से गिरूँगा तो मेरी तो हड्डी पसली एक हो जाएगी। ये केव है कि क्या है, इसमें तो आयरन है ही नहीं। आगे चलता हूँ, आगे रास्ता बंद। इतने में उम्मीदें लेकर आया था कि मुझे आयरन तो मिल ही जाएगा लेकिन यहाँ कोई ढंग का सामान है ही नहीं। तो माइनिंग करके ही ऊपर चलते हैं क्योंकि अभी तो मेरे पास वाटर बकेट है नहीं। वाटर बकेट के बिना कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पर मैं ऊपर पहुँच गया हूँ, दूसरी जमीन ढूंढ लेंगे। ये तो एकदम बकवास निकली। तो अभी चलते हैं ऊपर फटाफट से। ऊपर कैसे जाऊँ, हाँ यहीं से मैंने खुदाई स्टार्ट की थी। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, हाँ और ये तो एक सीप है, ऑरेंज कलर, ऑरेंज नहीं ग्रे कलर की। यहाँ पर मुझे फिलेज तो नहीं मिल रहा और ये इस किसने तोड़ा, वो क्या है आसमान में ये उड़ रहा है वो। मुझे हाँ मुझे लगा कि ये क्या था। अभी वो रात हो गई है, चलो जल्दी क्राफ्टिंग टेबल लगाते हैं यहाँ पर और एक जल्दी से बेड बनाते हैं और लगे हाथ
इसको मैं पिंक मैजेंटा, वाव मैजेंटा भी अच्छा लगता है, मैजेंटा रेड मैंने बना लिया। और सो के दिन करते हैं और सारी चीज़ों को फटाफट उठाते हैं। स्वॉर्ड मैंने निकाल लिया है, ये देखो मैजेंटा डे का क्या कमाल है। मैं इसके ऊपर ये डे लगा देता हूँ, डे, तो ये मैजेंटा कलर की बन जाएगी जो कि बहुत अच्छी लगती है मुझे तो। इसको मैं इसकी हालत ख़राब कर देता हूँ। अरे हाँ देखो ये मैजेंटा फूल मस्त लग रहा है, इसे भी ले लेते हैं और मैजेंटा टेक कलेक्ट करके आते हैं जिससे कि मैं कारपेंट बना सकूं। आगे तो मिल ही जाएगा, मैं फिर से पीछे क्यों जा रहा हूँ। हाँ देखो इसलिए मैंने कहा था कि मैजेंटा टेक तो मुझे मिल ही जाएंगे। और है भी ये केव है क्या, पता नहीं हो सकता है, लेकिन अभी मुझे इसके अंदर जाना नहीं है। अभी चलते हैं उधर। वो भाई साहब ये तो बहुत बड़ा है, ये एक रूइन पोर्टल है, मुझे एक रूइन पोर्टल देख क्या है। अबे आयरन देखा आपने, यहाँ पर आयरन है। लेकिन अभी पहले आगे चलते हैं, इसको मैं तोड़ूंगा तो मुझे कुछ होगा नहीं। आह ये क्या है, प्रोटेक्शन आई वी ओ फाइव सा क्या, एफएनसी फाइव गेल्ड साइट मेलन फ्लीट में ले लेता हूँ। वाइट प्रेशर प्लेट, एक फायर चार्ज, इसमें रून पोटर नहीं है, ये क्या है, इसके नीचे भी तो हो सकता है पता नहीं। तो ओए भाई साहब मुझे तो लगा कि कौन खट खट मार रहा है पीछे से। तो ये वुड कलेक्ट करके एक डोर बना लेंगे जिससे कि आसान से हो सकता है कलेक्ट। क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पर रखते हैं और एक डोर बनाते हैं। डोर क्या से बनेगा, रुक जाओ देख लें दो। ओ बन जाएगा, तो मैंने तीन बना लिए और अब चलते हैं माइनिंग के लिए। किधर था आयरन, मैंने कहीं तो देखा था, हाँ यही था यही था। चलो जल्दी अंदर, तो मैं इसके अंदर चला जाता हूँ। अरे भाई साहब ये क्यों नहीं माइन हो रहा, भाई साहब ये तो माइन हो ही नहीं रहा। अबे यार मैंने कितनी उम्र से बनाई थी, मैं अपनी शॉर्ट पता है क्यों फेंक दी। इसके मैं बैंड बजा देता हूँ, रुक रुक। ओ भाई साहब इतना बड़ा बड़ा सुअर कैन,
इसके मैं एक शॉट बजा देता हूँ और देखता हूँ। काट गया। ये बस भेड़ को मारने में हमारी सहायता करता है और मॉप्स को। तो यहाँ पर ये बायोम, जंगल बायोम है और मुझे उधर जाना था। मैं किधर जा रहा था अभी? ये तो मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है। कोल भी यहाँ से बहुत मिलेगा। वो तुझा चला नहीं जा रहा था। ये ले साले। हाँ नहीं तो जाया ही नहीं जा रहा था, उससे अंदर लग रहा है। यहाँ पर मैं डॉट रख लेता हूँ। क्योंकि भी ऊपर जाना है तो बहुत सारी डॉट की यूज होगी। वो डॉट भी खत्म हो जा रही है। तो यहाँ पर से मैं बहुत सारे डॉट उठा लेता हूँ। कवर स्टोन आ गया। और यहाँ पर मेरे पास 14 डॉट इकट्ठा हो गए और है डॉट। शायद से मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा। चलकर देख लेते हैं। मैंने कहा था कि अब मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा और ये देखो पहुंच भी गया। चलो अब सबसे टॉप भाई साहब, सबसे टॉप यही है। इसके ऊपर से क्या लगता है देखने पर देख लेते हैं। यहाँ पर तो एक ड्रॉइंग पोर्टल है। सबसे टॉप पे ये है। यहाँ से गिरूंगा तो क्या होगा? ओ भाई सब मैं बच गया। आह मैंने कहा ही था ये हालत खराब होगी। और हाँ मैजेंटा डे बना लेते हैं। दो बन जाएंगे और इन सब को मैं स्वर्ग पहुंचा देता हूँ। और ये पिंक है। ये कौन सा मिला? ये मैजेंटा, ये पिंक। फक निकल लेता हूँ। यहाँ पर भी एक बड़ी सी कि माउंटेन की पहाड़ है। ये कैसा साउंड था? चलो चोट नहीं लगनी चाहिए। यस थोड़ी सी तो लगी, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी सी लगी है। बार बार मेरी हड्डी खटक जा रही है। कोल भी माइंड कर लेते हैं, ये भी काम आएगी। मुझे कोल, हर प्लेयर को कोल ज्यादा मिलता है, लेकिन ये जो
अच्छे सामान होते हैं वो नहीं मिलते, जैसे आयरन, गोल्ड। गोल्ड तो अच्छा नहीं है। देखो ये यहाँ पर कितना सारा है, सारा उठा लेते हैं, फिर मिले या ना मिले वो शाम भी हो गई। नाइस, चलो यहीं पर अपना पेट लगाते हैं और बोड़िया बिस्तर को यहीं पर समेट कर रख देते हैं। मैं तो अभी आगे पढ़ रहा हूँ और रात हो गई, चलो सो जाते हैं। रिसेट पॉइंट सेट हो जाएगा यहीं पर। तो अभी मैं आगे आ चुका हूँ, यहाँ पर आयरन मिल जाए एक, यहाँ पर तो आयरन करना आसान भी नहीं है। ये भाई कैसा माउंटेन है, यहाँ पर बस ये कोल, एम्प्रल। यार मैं तोड़ कैसे लूँ इसे, उसके लिए तो आयरन की पिकैक्स चाहिए जो कि मेरे पास है नहीं। यहाँ पर भी एम्ब्रल, चलता हूँ और ढूंढने। भाई साहब दो, आह आह, यहाँ पर मुझे एक लेपिस लजूली दिख गया था जो कि अभी तो हमारे कुछ काम का नहीं, लेकिन बाद में एन्चेंटिंग करने के लिए बहुत काम में आएगा। वैसे तो मैं विलेजर से भी ट्रेड कर लूँगा, लेकिन ये सबसे अच्छा रहता है क्योंकि तो विलेजर एम्ब्रल के बदले देते हैं, जो कि अगर हमारे पास नहीं हुए तो फिर तो आप समझ ही सकते हो कि तो मैं हालत ख़राब कर दूंगा। अभी तक भाई एक भी विलेज नहीं मिला, यहाँ पर तो कबाड़ खाना लगल है। हैं, फिर से इधर ही आ गया क्या? नहीं ये दूसरी साइड है। वही तो मैं सोच रहा कि फिर से वही साइड, ये कैसे हो सकता है, ये तो लेना बनता है। और चलते हैं अब एक विलेज की तलाश में। पिंटे ये ले। इसमें से आयरन मिल जाए तो अपने तो मजे ही मजे। एक टॉर्च बना देता हूँ, चलो 22 मैंने टॉर्च बना लिए। भाई साहब मुझे लगा क्या वो मुझे आयरन मिल गया, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ओ भाई ये तो वहाँ पर आयरन, लेकिन नीचे जाना खतरों से खाली नहीं। नीचे गिरूँगा तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर से निकलते हैं जल्दी से, क्योंकि पता है मुझे कि यहाँ पर अगर मैं जहाँ नीचे गया फिर तो मैं ऊपर आ ही नहीं पाऊंगा, तो इसीलिए चलते हैं ऊपर और ढूंढते हैं एक दूसरे केव को जो कि वो ये अच्छा है, चल कर देखते हैं। अच्छा नहीं हुआ तो इससे निकलेंगे।
जो यहाँ पर टॉर्च लगा कर देख लेता हूँ। भाई साहब ये तो आज मुझे ले जाता, हमें टॉर्च नहीं लगाता तो, इसलिए मैं टॉर्च लेकर चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी तो आपने देखा ही क्या हुआ मेरे साथ। अरे ऊपर, हाँ इधर से चल जाऊंगा मैं। अबे यार क्या हो रहा है, ये चढ़ नहीं पा रहा है तो कुछ कर नहीं पा रहा है। यहाँ से गिरने का नहीं है, आह थोड़ा सा गिरना तो बनता है। नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर तो मुझे पता चल गया कि ये बहुत खतरनाक जगह पर है। जहाँ मैं भूला कि पानी का सोर्स किधर था तो मैं गया। ओ भाई कितना सुनसान है ये, मैं पहले ढूंढ लेता हूँ आयरन। मैंने कहा था कि यहाँ पर तो आयरन बहुत आसानी से मिलते हैं, लेकिन बाहर बाहर तो इनकी तादाद एकदम 0% होती है। कभी कभी लकी लोगों को मिल जाती है। इसको मैं बना लिया हूँ स्टोन को अपग्रेड करके। देखो यहाँ पर 4 मुझे मिलेंगे आई थिंक, हाँ वो 4 भी नहीं 5, उसके बाद तो खत्म। वो इधर भी है, जल्दी से जितने आयरन यहाँ पर है उन सभी को मैं माइन कर लेता हूँ। अभी तो इधर उधर दिख नहीं रहे हैं, तो इस टॉर्च को भी उठा लेते हैं। यहाँ पर है क्या आयरन है तो बता दें। हाँ यार आयरन हमें नहीं बताएगा ये। मिल जाए यार आयरन, ये तो के बड़ी अच्छी है, एकदम एंड पर ले जाके आयरन दिया है इसने। मैं यहाँ पर से भी निकल सकता हूँ, ये तो से तरफ से है। ओ यहाँ पर भी आयरन, अभी तो मेरी बल्ले बल्ले हो रही है। चार मुझे मिल गया आयरन, 4 भी नहीं 5, वाओ भाई साहब 5 भी नहीं। चलो अभी जाके खत्म हुआ, ये तो तैरते तैरते नीचे जा रही है। यहाँ तो मुझे आयरन मिल ही नहीं रहा, कहीं है आयरन बता दो यार। हाँ यहाँ पर एक दिख गया, वो वहाँ पर भी है। केव में तो ऐसा होता ही रहता है कि हमें आयरन भर भर के मिलते हैं,
जितना चाहो उतना मर्जी ले लो। इन्हें क्या और कहीं पर है? तो अभी मुझे एक यहाँ पर दिखा था, एक नहीं तो मतलब तीन। भाई साहब वो यहाँ पर भी है। तो अभी मैं नीचे चलता हूँ आराम से और कलेक्ट कर देंगे आयरन। यहाँ पर नहीं है, मुझे आयरन तो बहुत भर भर के मिल रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। और देख लेता हूँ मैं कितने मेरे पास आयरन हुए। बाकी ये केव केव तो ख़त्म हो गई कि नहीं, और ये देखो यहाँ पर भी आयरन। डीप स्लेट ओपन हो गई है, आयरन तो मिलते ही जा रहे हैं। अबे यार आयरन भी नहीं, गोल्ड। लेकिन यार गोल्ड से अच्छा तो डायमंड ही है। चल कर कैसा साउंड आ रहा है, ये कॉपर। चलो बाहर निकलते हैं क्योंकि यहाँ पर तो मुझे मिल नहीं रहा, कहीं मुझे एंशिएंट सिटी ना मिल जाए। बिल्कुल नीचे नहीं जाने वाला, यहाँ से शायद टॉर्चेस उठाते हैं और अपना बोरिया बिस्तर बांध कर ऊपर चलते हैं। तो भी मैं ऊपर जा रहा हूँ, मुझे लगा यहाँ पर आयरन है। मुझे याद रखना है कि मैं किधर से आया था। इतनी दूर से मैं टॉर्चेस लगाते हुए आ रहा हूँ, इससे अच्छा मैं यही वाला रास्ता बना लूँगा। झट इतने सारे टॉर्चेस क्यों वेस्ट करने, अभी फैसला करते हैं अच्छा रास्ता का। वाह थोड़ा सा तो लगती है वो है यहाँ से मेरा रास्ता। ओ रात हो गया शायद से, मैंने कहा था तो अभी सो कर दिन करते हैं। और वहाँ पर मेरा अंत है इस केव का। तो ये केव टूटेगी नहीं, वाह डीप स्लेट। बाकी तो यहाँ पर कुछ खास मिल नहीं रहा। ओ भाई साहब कितनी गहरी है ये केव। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर लगा देते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। यहाँ पर पानी है तो फिर चलो नीचे। और यहाँ पर तो मुझे एक भी आयरन और थी। हाँ ये है ना, तो चल कर लेते हैं। पहले मैं देख लेता हूँ मेरे पास कितने हो गए आयरन।
40। चलो ये तो बहुत ठीक बात है। और थोड़ा सा कलेक्ट कर लेते हैं। चार ऊपर अब नहीं है, और इधर इधर भी नहीं है, इधर एक है, एक नहीं तीन है, इसके भी नीचे होगा काय था। तो यहाँ पर वे यार मैंने इसी के ऊपर रखा था टॉर्च और इसी को तोड़ दिया। डीप स्लेट भी कलेक्ट कर ले क्या? नहीं इससे कुछ होगा थोड़ी ना। आगे चलना चाहिए कि नहीं, चल कर देख लेते हैं। रेड स्टोन स्मेल्टिंग कर लेते कुल को और बना लेते एक कंपास ताकि पता चले कि हम कहां पर से आए थे। बाकी अब तो मेरी पिकैक्स भी टूटने वाली है। इतनी दूर से मैं टॉर्च लगाते हुए आ रहा हूँ। फाइनली मेरी अभी सारी टॉर्च खत्म हो गई। ये देखो कितनी और बड़ी केव है, ये टूट जाए इससे। वाह मिला तक नहीं तो ये तो और बड़ा टूटेगी। तो ये सबसे अच्छी बात। एक सेकेंड, ओ भाई साहब यहाँ पर मेरे पास टोटल 64 हो गए हैं। ये तो भाई टॉर्च टूट, और वहाँ पर तो और आयरन है। इतने आयरन का मैं करूँगा भी क्या, सैंड क्यों मैं लेकर घूम रहा हूँ। जो मिल रहा है तो ले ही लेते हैं, क्या जाता है फिर कहेंगे कि मैंने दिया तो लिया नहीं। तो इसमें अब मैं क्या कर सकता हूँ, और इतने सारी टॉर्च मैं तो इन्हें बिल्कुल छोड़कर जाने वाला नहीं। बेड रख कर देख लेते हैं रात हुआ है कि नहीं। ओ अभी रात नहीं हुआ है, तो चलते हैं जल्दी से बाहर। आयरन तो अभी और गिरा है। ये कैसा साउंड है? तो भी ऊपर चलते हैं। चलो बहुत ज़्यादा ये कलेक्ट हो गया ये आयरन, तो बाहर निकलते हैं आराम से, नहीं तो बैंड तो बज ही जाएगी अच्छी वाली एकदम। तो अभी मैंने सारे टॉर्चे लगभग तोड़ लिया, आधी से ज़्यादा, मतलब सारे टॉर्चे नहीं तोड़ी अभी।
और किधर है? नहीं, तो निकलते हैं बाहर। तो यहाँ पर अब मैं पहुँचूंगा ऊपर। ओ, मैं उधर भी मैंने टॉर्च लगाई है। इधर मैं आया था क्या? पता नहीं। ऊपर चलते हैं और पानी के सहारे ऊपर। कूल भी इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि अब तो आयरन को स्मेल्टिंग के लिए लगाना ही है। मेरी अब सारी चीजें आयरन में अपग्रेड होगी, बहुत मजा आएगा। तो चलते हैं ऊपर और एक विलेज की तलाश करते हैं क्योंकि कितने देर से मुझे एक विलेज नहीं मिला। भागो, हो गया विलेज? नहीं यार, इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाएगा, तरसना पड़ेगा उसके लिए मुझे। यहाँ पर भी नहीं है, डिजर्ट में चलते हैं। डिजर्ट टेंपल लूट के आएंगे आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है। रुक जा शुगर कैन, तू भी टूट जा। ओह, ये डिजर्ट है कि क्या है? इतना थोड़ा सा डिजर्ट था, मुझे लगा कि बहुत बड़ा होगा। अच्छा ये मैप देख लेते हैं, चल जा। मैंने मैप फेंक दिया क्या? इसे पहन लेते हैं, प्रोटेक्शन करेगा। अब चलते हैं आगे। मेरी मुझे ये चेस्ट में मिल गई थी। अब चल, अबे यार मिल जाए एक विलेज। विलेज के नाम पे मुझे तो अभी तक कूड़ा ही मिल रहा है। विलेज मिल जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। ये भी एक रवीन, मतलब केव। आह, भाई साहब, मैं देख ही रहा था कि पता नहीं मैं कैसे गिर गया। रात हो गई, सो तो अबे रात नहीं हुई क्या इसका? यस, मैं सो गया और नेक्स्ट डे हो चुका है। तो अब चलते हैं ऊपर। यहाँ पर विलेज भी नहीं है, इतना मेरी किस्मत खराब है कि। चलो इसके साथ ही बहकर चलते हैं नीचे और देखते हैं नीचे मुझे क्या मिलेगा। आयरन, अभी आयरन में तो ले लेकर परेशान हो गया हूँ, अभी भी दे रहा है, ले लेते हैं। तीन थे ना? हाँ, चलते हैं ऊपर ही। अभी मुझे आयरन नहीं चाहिए। कितने देर से मैं 64 आयरन कलेक्ट कर लिए हैं, तब भी मुझे अभी और चाहिए आयरन, पता है क्यों।
चलो ऊपर तो मैं पहुंच गया। जल्दी से बाहर निकलते हैं। मैं ओपिकेक्स पंपकिन, मेरे आते ही ये टूट गया, पता ऐसे क्या हो गया था। ड्राउन भी तो यहाँ पर हो सकते हैं ना। दस 64 तो 74 मैंने आयरन इकट्ठा कर लिया है भाई साहब। तू कौन है? ओ तू तो सिर्फ है ना, मुझे लगा यहाँ पर पोलर बियर है। तो यहाँ पर ये वुड जैसा कट रहा है, कुछ ज़्यादा स्पीड नहीं है इसके भी। यहाँ पर ये दूसरी दूसरी में फाइनली एक मिल गया विलेज। भाई साहब कितनी देर से तरस रहा था इसके लिए। हैं ओ ये है, अरे भाई भाग। चलो अब फाइनली मेरी जान में जान आई। तो कब से मुझे लग रहा था मुझे विलेज तो मिलेगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारा यहाँ पर से जितने भी ये हार्वेस्ट होने के लिए तैयार हो गए हैं उसे मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ। ये करे चाहे ना करे, मुझे तो फूड की ज़रूरत है तो मैं कर लेता हूँ। बाकी ये कुछ कहेंगे थोड़ी ना। लाइब्रेरियन के घर चेस्ट, चेस्ट भी नहीं है इसके घर में। हाँ एक चेस्ट तो है। वाह सैडल, यही तो मुझे चाहिए था। और पहन लेते हैं पैंट, लेदर पैंट। हैं ओ मुझे यहाँ पर लगाना था, मैं कहाँ पर लगा रहा हूँ। और एम्ब्रल ले लेते हैं, ये तू जा वहाँ पर और उसे मैं रख देता हूँ। मैं पवन तो है, इसे भी रखो। नहीं नहीं इसे रख देते हैं। वुडन पिकैक्स, वुडन एक्स और ये तू भी जा। नहीं तू नहीं, सीट। हाँ सीट रख देते हैं। इनका सारा पैसा वसूल हो गया। इसकी भी एक चेस्ट है, इससे बूट। मुझे लग रहा है यहीं पर मैं लेदर का आर्मर बना लूँगा। बना नहीं, मिल जाएगा मुझे। ये क्या है, ये किसका घर है? ओ ये ब्रेविंग स्टैंड, मतलब ये क्लरिक का हाउस है। आगे बढ़ते हैं, वो देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है इसके। ओ चेस्ट, वो भाई साहब क्या है ये, वाटर बकेट। वाटर बकेट है। तू कौन है? ओ तू ब्लास्ट फर्नेस बेच रहा है। 14 मेरे पास कोल है। चलो चलते हैं। इसके घर में क्या, इसके घर में तो एक भी चेस्ट नहीं है। मुझे चेस्ट वाले घर को लूटना है। तेरे घर में भी नहीं है, जा मैं तुझे नहीं लूटूंगा। तो दोनों क्या कर रहा है? ट्रेड,
ओ लेदर टनिक, ओ ये लेदर टनिक तेरे हैं। तो लेदर कैप मैंने कहा ही था, यहाँ पर से मुझे पूरे लेदर के मिल जाएंगे। और तू रुक रुक रुक, किधर जा रहा है वे भाई, रोक। फिर से ये कचड़ा, रुक रुक मैं तेरे कचड़े को भी साफ करता हूँ वे, रुक। रुक रुक, हाँ नहीं तो जा, तू मारेगा मुझे साले। हाँ नहीं तो चल भाग, बड़ा मुझे मारने चला था ये लोग। कर ले हैं इसके, तो मैं चेस्ट को लूट लिया। ये एक लास्ट घर बचा है इसका, यार एंट्री कहाँ से है? हाँ यहाँ से, इसके घर में कचरा हेवी कलेक्ट करते हैं। बहुत स्पीड में ये तो कलेक्ट हो रहा है। ओह वाओ कैट, रुको रुको रुको, ये तो हॉर्स है ना। यहाँ पर अबे तेरी सिट, आ इधर, हाँ इसे मैं टेम कर लेता हूँ। जा उधर, बस सेटल था। हाँ ये नहीं बैठाएगा, अब बैठा चल। अबे पागल है क्या, चल बैठा। हाँ अभी इसके हार्ट निकले, अब तू है मेरा घोड़ा। रुक जाओ, मुझे तुम्हें कैद करना पड़ेगा, नहीं तो तुम तो बड़े होशियार हो, निकल जाओगे आराम से। ये क्या है, केव? तू कौन है? वो ये तो कैट है। म्याऊं म्याऊं कितनी आवाज छीन निकाल रही है। चलो ऊपर में निकल गया, आगे चलते हैं। आगे भी नहीं है घर, सच से इतने मुझे लूट मिलने वाली थी, लेकिन कुछ भी कह लो घर अच्छे बनाए हैं। ये नहीं पका है, बस कुछ ही क्रॉप्स है जो नहीं पके हैं, बाकी सब तो पके हैं एकदम। भाई साहब इधर से तो मुझे लग रहा है पूरी मिल ही जाएगी फूड, जैसे कोई पता नहीं कितने ब्रेड बना लूँगा, पता भी नहीं है। चलो ये सब को हार्वेस्ट कर लेते हैं, और रात भी हो गई है तो सोते हैं। मैं जिंटा अपनी बेड लगा के, जो कि बहुत सुंदर लगती है मुझे। आपको कैसी लगी ये मैजेंटा बेड, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये सब कलेक्ट करते हैं, मैं सीट कलेक्ट कर लेता हूँ, तो इस चिकन को भी रख देते हैं। रुक भाई चिकन रुक,
तो लामा है, हाँ ये लामा ही है। चलो चलो हाँ? ये मैं कहाँ चला गया? चलो मैं बाहर तो निकल गया। क्या आसान सा ट्रैप बनाया था इन लोगों ने। आयरन कोलम भैया किधर हो आप? जो इस आयरन कोलम को ढूंढता हूँ अभी मैं। अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है। क्राफ्ट क्राफ्ट कर लेते बहुत सारे वीट। और ब्रेड बनाते हैं। हाँ ये रहे ना। रुको रुको किधर जा रहे हैं आप? जान नीचे नीचे की सैर करो। हो भाग के मैं पहले देख लेता हूँ अपनी इन्वेंट्री में। और भागो कहाँ है वो आयरन कॉलम? मर गया क्या? एक शॉट में कैसे मरेगा? देखो बेचारा भूल गया इसके में टपली थी, एक पागल है क्या तू? ये तो बहुत अच्छा है। जो फोन नहीं चाहिए चलो अच्छी बात है। इसकी तो मैंने चेस्ट को चेकआउट किया था। तो आज की वीडियो बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और पहले मैं ब्रेड बना लेता हूँ उसके बाद मैं वीडियो रखूँगा। ब्रेड ब्रेड नहीं बनेगा क्या? 59 चलो अच्छी बात है। और कुछ मैं ब्रेड से ब्रीडिंग करवा दूंगा सिप्स की भी। तो अभी चलकर ब्रीडिंग करवाते हैं हम सब की। मुझे लगा कि वो तो मारेगा लेकिन ये ट्रेड करता है। रुक रुक क्या तो ट्रेड करता है 7 एमरल में पता है क्या चीज की है। हाँ इधर था। भाई हर जगह पे ट्रैप क्यों बना कर रखे हो? जब मैं अंदर जाऊँ तो गिर जा रहा हूँ। क्या मस्त इन लोगों ने बना कर रखा है। यहाँ पर मुझे सारी हटानी पड़ेगी सुख जाके। मुझे क्या Oh.
तो अभी मैंने पूरी घास खाली कर दी, मजाक बना के इन लोगों ने रखा है। ये फार्मिंग की ब्रीडिंग करवाने की जगह है तो क्या बना रखा है इन लोगों ने। अब ये भी खुश है, रुक जाओ मैं तुम लोगों की ब्रीडिंग करवाता हूँ अभी। अब इधर इधर आ, तू लोग नहीं खाएगा ठीक है, तू खा तू भी खा, वेट करो। ओ अबे भाई साहब सिट, इन लोगों ने डॉट भी नहीं बना रखी है, डॉट भी मतलब नहीं लगा रखी है। तू ही है ठीक है, अंदर आओ सब। आओ भाई अंदर, अंदर आओ अंदर आओ। ये ले अब तुम लोगों की ब्रीडिंग शुरू, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर टाट लगानी पड़ेगी। भाई टाट इकट्ठा नहीं हुआ, ये बड़ी बुरी बात है। कोई बात नहीं, मैं अपना यही लगा दूंगा। हाँ नहीं तो इधर आओ इधर आओ, लो तुम फिट करो। और किधर एक काओ, और एक काओ किधर, तू भी फिट करो, तू भी फिट करो, तू भी फिट कर लो, तो आओ बड़ी होगी, तू भी फिट करो। मैंने बच्चा दिया है, तेजी में फिट करवा के बड़ा करता हूँ। हाँ नहीं तो कहीं तो बच्चा है, बच्चे को आ गया नहीं तो रुक रुक ठीक है, तू नहीं करेगी तो मैं तो इससे करवा कर बड़ा कर देता हूँ। तू भी नहीं, तू भी नहीं, तू भी नहीं, ये ले तू भी नहीं। अरे पागल है क्या तू लोग, यहाँ पे बच्चा कहाँ पर है? ले तू फिट कर और जल्दी से बड़ा हो। अब तुम लोगों क्यों, खासकर तुमको मारने का समय आ गया है, जो ठीक है। जब तुम लोग यहीं रहो,